हामला खवातीन को बहुत शिद्दत से इंतज़ार होता है कि उनको बेबी की मूवमेंट कम महसूस होगी, क्योंकि इससे उनका माइंड सेटिस्फाइड हो जाता है और उनको रीएश्योरेंस होती है कि बेबी ठीक है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो अक्सर दूसरों से सवाल भी करती हैं कि आपको कब मूवमेंट महसूस हुई थी, और जब उनको दूसरों से पता चलता है कि इस जगह पहले मूवमेंट महसूस होती है और उनको अगर किसी और जगह पे महसूस हो रही हो तो वो फिर परेशान हो जाती हैं कि ऐसा क्यों है। तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे की जो हरकत है वो डिपेंड करती है बच्चे की पोजीशन जो यूट्रस के अंदर होती है और प्लेसेंटा की पोजीशन पर। आज की वीडियो में हम आपको इसी सिलसिले में सारी चीज़ें बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग पहले से हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कैसे बच्चे की जो पोजीशन है या प्लेसेंटा की पोजीशन है वो बच्चे की मूवमेंट्स के ऊपर असर करती है। अगर यूट्रस के अंदर बेबी की पोजीशन जो है कफेलिक है, जिसको आम जबान में हम नॉर्मल पोजीशन कहते हैं, यानी बच्चे का जो सर है वो नीचे की तरफ है और उसका जो बॉटम है वो ऊपर की तरफ है। अब ऐसी अगर पोजीशन होगी तो बच्चे की जो बैक है वो या तो राइट साइड पे होगी या लेफ्ट साइड पे होगी। अगर बच्चे की बैक जो है वो राइट साइड पे है तो आपको मूवमेंट्स जो हैं वो अपनी लेफ्ट साइड पे महसूस होंगी और बम्प के बिल्कुल ऊपर भी महसूस होंगी। इसी तरह से अगर बच्चे की बैक जो है वो लेफ्ट साइड पे है तो मूवमेंट जो हैं वो राइट साइड पे महसूस होंगी और बम्प के ऊपरी हिस्से में भी महसूस होंगी। अगर ब्रीच पोजीशन है, जिसको हम अक्सर कहते हैं आम जबान में कि बच्चा उल्टा है, यानी बच्चे का सर ऊपर की तरफ है और उसके बटक्स जो हैं वो नीचे हैं। अब ब्रीच में भी बहुत सारी पोजीशंस आगे से होती हैं। अगर तो बच्चे ने टांगे अपनी फोल्ड की हुई हैं तो आपको जो मूवमेंट्स हैं वो यूट्रस के बिल्कुल निचले हिस्से में महसूस होंगी। लेकिन अगर बच्चे की पोजीशन ब्रीच में ऐसी है कि उसने टांगे ऊपर की तरफ ऐसे की हुई हैं तो आपको बच्चे के जो मूवमेंट्स हैं अपनी पसलियों के अंदर महसूस होगी। इसी तरह से अगर बच्चा ट्रांसवर्स लाइन में है, यानी आड़ा पड़ा हुआ है, जाहिर है एक तरफ बच्चे का सर होगा और दूसरी तरफ बच्चे के बटक्स होंगे। ऐसी सूरत में अगर बच्चे का सर राइट साइड पे है तो आपको मूवमेंट्स लेफ्ट साइड पे महसूस होंगी, और अगर बच्चे का सर जो है वो लेफ्ट साइड पे है तो आपको मूवमेंट्स राइट साइड पे महसूस होंगी। अगर हम प्लेसेंटा की पोजीशन देखें तो अक्सर जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस के ऊपर की साइड पे होता है, यानी फंडल पोजीशन में होता है। लेकिन कई दफ़ा प्लेसेंटा जो है वो सामने की तरफ होता है, जिसको हम एंटीरियर प्लेसेंटा कहते हैं। अगर प्लेसेंटा सामने की तरफ होगा तो बेबी के सामने प्लेसेंटा आता है, उसके बाद आपके मसल्स और स्किन आती है, और वो प्लेसेंटा जो है उसने एक तरह से कुशन बनाया हुआ होता है। ऐसी खवातीन को मूवमेंट्स जो हैं एक तो देर से महसूस होंगी, यानी जो मूवमेंट्स उनको 18 टू 20 वीक्स में महसूस होना शुरू हो जाती हैं वो देर से महसूस होंगी, और जब मूवमेंट्स स्टार्ट होंगी तो वो उनको इतनी स्ट्रांगली महसूस नहीं होंगी, और वो अक्सर कहेंगी कि हमें तो इस तरह के किक्स जो हैं महसूस नहीं होते। बाज़ ऐसा होता है कि बच्चा जब कफेलिक पोजीशन में होता है, यानी सर नीचे है टांगे ऊपर हैं, तो कई दफ़ा आपको अपने यूट्रस में बम्प नज़र आता है, यानी कभी वो ऊपर राइट साइड से हो जाता है, कभी लेफ्ट साइड से हो जाता है। ये इसलिए होता है कि जूं जूं प्रेगनेंसी ग्रो करती है तो बच्चा जो है वो स्ट्रेच करता है। अब एक तरफ
बच्चे की टांगें जो हैं वो ऊपर की तरफ आती हैं और एक तरफ उसका बम जो है वो ऊपर की तरफ आता है। और इस तरह से आप देखते हैं कि बच्चा जो है जब मूव कर रहा है तो वो ऐसे बम्स जो हैं उभर जाते हैं। बेबी मूवमेंट्स में हमने एक बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो तकरीबन 1-1.5 साल पहले बनाई थी, जिसमें हमने मूवमेंट्स के बारे में कब शुरू होती हैं, कैसी होती हैं, कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं, सब डिटेल बताई है। इसका लिंक वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। अगर आपने बेबी मूवमेंट्स के बारे में डिटेल जाननी है तो आप उस वीडियो को भी लाजमी देखिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।